उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में सोमवार को आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। काशीपुर बाईपास रोड स्थित गुरु माई इंटरप्राइजेस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आने से 3-4 एसी इन्वर्टर और आधा दर्जन से अधिक एलईडी टीवी जलकर खाक हो गए। इस दौरान आनंद फानंद में घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल के 4 वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से एसी के कंप्रेसर, इन्वर्टर और मेन स्विच जलकर खाक हो गया था। फिलहाल आग से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी हुई है, जिसके बाद तत्काल मौके पर 3 वाहनों के साथ टीम को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाहरी हिस्से में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। आग लगने से मेन स्विच, इन्वर्टर और एसी के कंप्रेसर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं तीसरी मंजिल के गोदाम पर रखे 2 एलईडी टीवी भी आग की चपेट में आ गए। शोरूम के बाहर लगा कांच और फ्लेक्सी बोर्ड पूरी तरह से जल गया है। सूचना मिलते ही विधायक शिव अरोड़ा, एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी, एसपी क्राइम अभय सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दूसरा मामला रामनगर से सामने आया है, जहां संयुक्त चिकित्सालय के शौचालय में एक किशोरी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को रामनगर निवासी एक युवक लगभग 6 महीने पहले घर से ले गया और 3 दिन बाद वापस लेकर आया। बताया जा रहा है कि बीते दिन रविवार को उसकी बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान मामले में एसएसआई प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में रामनगर निवासी एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।